दोस्तों बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की जब बात होती है कि हमारे भारत में बुलेट ट्रेन कब चालू होगी और कब चालू होगी और कहां से कहां तक चालू होगी, तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारत में बुलेट जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन चलने वाली है तो दो शहरों के बीच चलने वाली है, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी दो स्टेट में इसको चलाया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद के साबरमती से और मुंबई के यानी BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका लास्ट स्टॉपेज यानी इसका स्टेशन बनाया जा रहा है। दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी यानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी की बुलेट ट्रेन E5 का सीरीज हमारे भारत में आएगा और जापान की ही इसमें पूरा मटेरियल यानी पटरी से लेकर ट्रेन का पूरा मटेरियल जापान से आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं और ये 508 किलोमीटर के लॉन्ग अलाइनमेंट में दोस्तों 12 स्टेशन होने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखे हैं इसको 12 स्टेशनों के बीच। इसका जो स्टेशन बनके तैयार हुआ है अहमदाबाद का भी पूरा स्टेशन बनके कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों 320 किलोमीटर की प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी। तो दोस्तों इस 508 किलोमीटर के लॉन्ग अलाइनमेंट में टोटल 24 नदियां आने वाली हैं, जिसमें 4 नदी आएंगी महाराष्ट्र सेक्शन में और 20 नदी जो आएंगी छोटे नदी नाले मिलाकर 20 नदी जो आएंगी वो गुजरात सेक्शन में आएंगी। इस 20 नदियों में एक अहम नदी आती है मिंदोला रिवर, जिसका मैं खास तौर पे आज आपको अपडेट देने वाला हूँ। ये लेटेस्ट अपडेट है, मिंदोला रिवर का जो काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ब्रिज बनके कंप्लीटली हो चुका है दोस्तों, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों 508 किलोमीटर के रूट में टोटल 12 स्टेशन होने वाले हैं और स्टेशन की बात करूँ तो इसमें पहला स्टेशन होने वाला है मुंबई यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में, उसके बाद इसका दूसरा स्टेशन बनाया जाएगा थाने में, फिर बिरार, उसके बाद बोईसर, बापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, नंदियाल, अहमदाबाद और लास्ट स्टॉपेज इसका बनाया जाएगा साबरमती में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, और स्वागत करता हूं देश के सबसे चलने वाली बुलेट ट्रेन में दोस्तों, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली जो हाई स्पीड रेल है दोस्तों बुलेट ट्रेन में, खास तौर पे आज उसका अपडेट दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों। तो आप लोकेशन की बात करूं तो मैं लेके आया हूं नवसारी से 15 किलोमीटर आगे की साइड में, जहाँ पे मिंदोला रिवर का जो ब्रिज बनके कंप्लीट हुआ है, खास तौर पे आज आपको उसका अपडेट देने वाला हूँ। इसका अपडेट मैंने आपको 2 महीने पहले दिया था दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना, क्योंकि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड अपडेट आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। वीडियो को शुरू करता हूँ। अभी जो लोकेशन है दोस्तों, सूरत और नवसारी के बीच का दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है सूरत की और 18 से 20 किलोमीटर दूरी है नवसारी की इस तरफ। अभी हम लोग इस तरफ से आए हैं, ये आपको पूरा आज अपडेट दिखाने वाले हैं हम। और इधर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ से सीधा आप जाएंगे, हमने आपको जो पिछला अपडेट दिया था ना, वो इस जगह का दिया था, वो उस तरफ से दिया था। जब हम आए थे उस वक्त बारिश का सीज़न था, तो यहाँ पर पानी की बात करूँ तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था आधा हिस्सा इसका। तो आज मैं आपको ये पूरा हिस्सा दिखाऊँगा और यहाँ से मैं इस ये हिस्सा दिखाने के बाद हम आपको वापस लेके जाएंगे इधर आगे की तरफ, यहाँ तक आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं इसकी शुरुआत की बात करूँ तो ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेके और जाएगा सीधा दो बड़ी सिटी अहमदाबाद के बीच में, और इसमें टोटल 12 स्टेशनों के साथ इसका काम किया जा रहा है दोस्तों बुलेट ट्रेन का, इस परियोजना का। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर लंबा अलाइनमेंट का इसका काम किया जा रहा है और 1,08,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। शिंकानसेन टेक्नोलॉजी की बुलेट ट्रेन यहाँ पर आएगी, जो कि जापान से और ये हमारे भारत में 320 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ेगी। दो सिटियों में मात्र हम 3 घंटे से कम के समय में हम कनेक्ट कर पाएंगे मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, और इसकी जो जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जब ये ब्रिज बन के कम्प्लीट भी नहीं होता ना, उस समय से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। खाली इसका टेस्टिंग का काम चालू था ना, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। बाजू में आप जो क्लिप देख पा रहे होंगे, ये स्टार्टिंग का समय है, और ये देख पा रहे होंगे दोस्तों अभी आप जो कि मुंबई और अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन का परियोजना का काम यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा ना, ये पूरा का पूरा नेचर आप देख पा रहे होंगे। और ये टेस्टिंग पे टेस्टिंग जो होता है ना, टेस्टिंग जो पाइलिंग का काम होता है उसके अंदर से निकलते हैं पत्थर ये ज़मीन के अंदर से। और अभी भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, ये ब्रिज की लंबाई की बात करूँ तो 280 मीटर लंबा ब्रिज और फाइनली आपके सामने बन के रेडी है ये। और ये है मिंदोला रिवर, मैं इस वक्त नदी के बिल्कुल बीचों बीच के मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर जब पिछली बार आए थे ना, इतना ज़्यादा पानी था कि हम लोग पास में भी नहीं आ पा रहे थे, पाइप देखना पड़े, उस पाइप के पास से हम आपको अपडेट दे पा रहे थे। और आज की तो क्या बात करें, अभी तो बारिश का समय कम हो गया ना, तो इसलिए पानी भी इसके अंदर कम हो गया है। तो थोड़ा सा आपको एक बार पानी के पास से अपडेट दिखा देता हूँ मैं। तो ये आप जो साइड में वैरी के बैरियर देख रहे हैं ना,
इन वेरियरों को पानी रोका जाता है, उसके बाद अंदर पेयर कंप्लीट किए जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ ये लगा के और ये अंदर तक मजबूती से ठोके जाते हैं। उसके बाद इस सारा पानी निकालने के बाद में तब ये पेयर का अंदर का काम किया जाता है, फाइलिंग का। उसके बाद में फिर ये ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे ना, ये ब्रिज पूरी तरीके से ट्रैक बन के कम्प्लीट है। और सूरत और बिल्लीमोरा में 2026 में सबसे पहले यहाँ पर बुलेट ट्रेन का रन ट्रायल किया जाएगा। बुलेट ट्रेन सबसे पहले यहाँ पर रन करेगी और ये 2026 में करेगी और 2027 में पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और महाराष्ट्र में काम सबसे ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेट ही किया जाएगा। तो अभी हम चलेंगे फटाफट से इधर आगे की तरफ और आगे तक आपको कंटिन्यू वीडियो दिखाएंगे। इसी प्रकार से प्यार बने रखिएगा दोस्तों, आपको सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं हम सब लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि जो नदी के अंदर पिलर होते हैं ना वो एकदम बिल्कुल गोल होते हैं, ताकि पानी का बहाव आए तो किसी पिलर से टकराए नहीं। और जो ब्रिज वगैरह क्रॉसिंग करते हैं तो वहाँ पर होते हैं अलग अलग कोने वाले, यानी गोला गोल होते हैं पर वो कुछ कोने कोने वाले होते हैं, और जो नॉर्मली होते हैं वो चौरस पिलर होते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया मैंने पूरा का पूरा लेटेस्ट अपडेट। और यहाँ से हम वापस जाएँगे बाहर की तरफ, यहाँ से लगभग आपको 2 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। जो आगे मेन रोड है इधर जाता है नवसारी के लिए और इधर जाता सीधा NH 48 के लिए कनेक्ट करता है, उस जगह तक हम लोकेशन दिखाएंगे। तो दोस्तों ये दिखाया आपको मेंदोला रिवर का अपडेट हमने, जो कि यहाँ से पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे सूरत की तरफ जा रहा है। तो इस काम की बात करूँ, जो ऊपर लॉन्चिंग की बात करूँ, जो सेगमेंट लॉन्चिंग का काम, जो बुलेट ट्रेन का जो मेंटेनेंस डिपो है सूरत में, वहाँ तक ये पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। और उसके बीच में ये बक्ताना विलेज है वहाँ तक भी रेडी है दोस्तों, उसके बीच में कुछ हिस्सा इसका बाकी है। तो आज चलते हैं हम आगे की तरफ और आप और हम मिलकर देखने वाले हैं इस रूट को। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से हमें नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है दोस्तों। बहुत जल्दी मुंबई से लेकर चेन्नई के बीच में जो बुलेट ट्रेन का काम स्टार्ट किया जाएगा, और दिल्ली से लेकर कोलकाता के बीच में ये बड़े बड़े राज्यों में बुलेट ट्रेन हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो नई परियोजना और अभी खुल के सामने आई है, जो इनके काम ये इलेक्शन के बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा, और दिल्ली और बनारस का भी काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हम फटाफट से आगे की तरफ चलेंगे और दोस्तों पूरा देखना वीडियो को। देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर अभी ये पूरा का पूरा आपको कम्प्लीट दिख रहा होगा, इसमें हज़ारों छोटे मोटे नदी नाले आते हैं बीच में, इस प्रकार के छोटे मोटे नाले। और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, जो बुलेट ट्रेन का काम हमें और आपको यहाँ पर पूरी तरीके से कम्प्लीट देखने को मिल पा रहा होगा दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर पूरी तरीके से बन के आपको ये अलाइनमेंट कम्प्लीट दिख रहा होगा, पूरा का पूरा वाइडेक्ट ये इस जगह पर आ चुके हैं हम अभी आगे की तरफ, और आपको दिखाते हुए ले जा रहे हैं आगे की तरफ। दोस्तों पूरा देखना वीडियो को ज़रूर, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमने और काफ़ी अच्छा अपडेट भी हम आपको दिखा पा रहे हैं दोस्तों बुलेट ट्रेन की परियोजना का। ओ ये जो बुलेट ट्रेन का अभी काम किया जा रहा है ना, ऊपर अभी स्लैब का काम किया जा रहा है, यानी कि जो साइड में रेलिंग वगैरह होती है उसका काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही ऊपर का काम कम्प्लीट होगा तो उसके बाद फिर से यहाँ पर इस हिस्से में जो कि पटरी को काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अभी जो पटरी को काम है वो खाली सूरत सेक्शन में किया जा रहा है, पटरी का जो काम कम्प्लीट सूरत सेक्शन में सबसे पहले तैयार किया जा रहा है, और सबसे पहले सूरत में ही मटेरियल आया पटरियों का। और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पर ही तैयार करने की जल्दी से जल्दी यहाँ पर परियोजना की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी जहाँ तक नज़र जाती है ना, तो यहाँ से इस जगह से हमें पूरा का पूरा काम कंप्लीट देखने को मिलता है। और इस जगह में कंप्लीट की बात करूँ तो मैंने वापी का भी आपको हिस्सा दिखाया, और उसके बाद मैंने विल्लीमोरा का भी दिखाया, आपको वलसाड़ का भी दिखाया। मुझे इन सब जगह पर यहाँ पर लॉन्चिंग का मुझे कम्प्लीट देखने को मिला है अभी तक, कहीं कहीं छोटे मोटे पैकेज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी रहता है।
और मैं भी 248 पैकेज नंबर पर पहुँच चुका हूँ मैं भी, और जो कि सामने विलेज है इस तरफ से जो मेन रोड है ना, इस मेन रोड से भी जानकारी दूंगा मैं अभी आपको। तो 248 और सेक्शन 64 का ये गुजरात महाराष्ट्र के महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहाँ से स्टार्ट होता है ये सेक्शन 64 जरौली गांव से लेके और महाराष्ट्र, और ये कनेक्ट करता है वडोदरा सिटी को दोस्तों। और अभी आपको जो देखने को मिल पा रहा होगा यहाँ का जो लेटेस्ट अपडेट दोस्तों, अभी मैं जो पहुँच चुका हूँ ये ढावेल विलेज है, एक छोटा सा गाँव है ढावेल विलेज है उसके पास मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से जो एक मेन रोड निकलता है दोस्तों, यहाँ से सीधा आप ओबराट के लिए भी जा सकते हो, और इस जगह से आप सीधा यहाँ से NH-48 को ये कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको काम की बात करूँ ना, तो यहाँ पर इस जगह पर पूरा का पूरा तैयार है, और इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है दोस्तों वो है L&T। L&T हमारे भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है, और ये भारत में ही नहीं विदेशों में भी बड़े बड़े काम करती है, और सबसे इसका मेन काम सेफ्टी को लेकर सबसे ज़्यादा जागरूक करती है। हर चीज़ों में सेफ्टी को सबसे आगे इसको रखा जाता है, हर चीज़ों में सबसे आगे रहती है, क्योंकि इसका कंपनी का काम सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, यहीं से सीधा जा रहा है मुंबई के लिए दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया बुलेट ट्रेन का लेटेस्ट अपडेट दिखाया, ये अपडेट मैंने आपको 2 महीने पहले दिखाया था, उसमें आपको मैंने उस साइड का अपडेट दिखाया था, और फाइनली मैंने जो मिंदोला रिवर थी इस साइड का अपडेट दिखाया था नवसारी साइड का। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ट्रेन को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको नए नए अपडेट देखने को मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों।